बेटा उठो, तुम्हारी ट्यूशन का टाइम हो गया। ट्यूशन नहीं जाना है क्या आज? नहीं दादी, मुझे नहीं जाना, आज मुझे बहुत नींद आई है। बेटा मैं तुम्हें खेलने कूदने के मामले में कभी मना नहीं करती, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई बहुत जरूरी है। दादी मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप हर वक्त मुझे टोकती रहती हैं। बेटा तुम्हें मेरी बातों का पूरा नहीं मानना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही कहती हूँ। अच्छा पापा बस करो, मैं जा रहा हूँ। दादी ने फिर अपना भाषण शुरू कर दिया था, मेरी परेशानी को तो कोई समझता ही नहीं है। अब घर जाके आराम से टीवी देखूंगा। मम्मा मैं घर आ गया। पता नहीं ये रिमोट कहाँ पड़ा है। बेटा सुनो। जी मम्मा कहिए। बेटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात? बेटा मैंने देखा कि आज तुम दादी से बहुत गलत तरीके से बात कर रहे थे, तुम्हें उनसे इस तरीके से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी मम्मा, लेकिन दादी मुझे हर रोज पढ़ाई के लिए बोलती रहती हैं। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। बेटा जब तुम छोटे थे दादी खुद से ज्यादा तुम्हारा ध्यान रखती थी, वही तुम्हें पापा की डांट से बचाती थी और नई नई जगह पर घुमाने ले जाती थी। बेटा दादी आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हैं जितना तब करती थी, लेकिन तुम्हें उस प्यार की कदर नहीं है। शायद मम्मा सही कह रही थी, मैंने दादी से बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं एक बार टाइम में पीछे जाकर उन सभी पुरानी यादों को जरूर देखना चाहूंगा। हाँ एक आइडिया, प्रोफेसर की टाइम मशीन से टाइम में पीछे चला जाता हूँ। हेलो प्रोफेसर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ, बताओ कैसे आना हुआ? प्रोफेसर दरअसल मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। बताओ कैसी मदद? प्रोफेसर क्या मैं आपकी टाइम मशीन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ तुम कर सकते हो, ये रही मेरी टाइम मशीन, यहाँ आकर खड़े हो जाओ। ठीक है प्रोफेसर, गुड बाय। अरे वाह ये तो मेरा ही घर है, चलो अंदर जाके देखता हूँ। अरे अरे बचो, ये मैं और मेरी दादी है, तब मैं कितना छोटा था। लेकिन ये दोनों जा कर रहे हैं, चलो इनका पीछा करता हूँ। दादी तो मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले आई हैं। मैं छुप जाता हूँ। मैं कितना खुश हूँ और दादी भी कितनी खुश लग रही हैं। सच में दादी के बिना तो मेरा बचपन बिल्कुल अधूरा था, ये सब देख के तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरे बचपन को इतना मजेदार बनाने के लिए आपका शुक्रिया दादी। मुझे सच में दादी के प्यार की कोई कदर नहीं है, अभी जल्दी से जाकर उनसे माफी मांग लेता हूँ। दादी मेरी प्यारी दादी, आप कहाँ हैं? दादी मेरी बात सुनिए। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ? दादी आप बहुत अच्छे हो, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ बेटा लेकिन आज तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो सब छोड़िए दादी, आज सुबह मैंने आपसे बहुत बुरे तरीके से बात की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। अरे वाह बेटा तुमने दादी से माफी मांग ली, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। दादी मम्मा मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। तो फिर चलो आज हम सब घूमने अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं। ठीक है मम्मा। हेलो एवरीवन, अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।